सर्दियां आते ही शहर में चोरों का गिरोह सक्रिय हो चुका है। गहरी रात में अब जब लोग रजाई में दुबक कर नहीं गहरी नींद में होते हैं तब ये चोर गिरोह सक्रिय हो जाता है। इन सर्दियों में सबसे पहली शुरुआत सोलन के कोठो गांव से हुई है, जहां चोरों ने मंदिर और स्कूल्स में चार घरों को निशाना बनाया है। कोठो मंदिर में चोरी करते करते चोर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो चुका है, जिसमें उनके मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस घटना पर गहन पूछताछ कर रही है। इस मौके पर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मोहन मेहता ने बताया कि मंदिर से चोर दान पात्र उठाकर ले गए हैं। इसके अलावा और स्थानों से भी चोरी का प्रयास किया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से रात को पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की, साथ ही रात को हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने का आग्रह किया, ताकि चोरियों पर अंकुश लगाया जा सके। सीसीटीवी कैमरे में देखिए कुंडला मंदिर में, तो वहां पर 3:31 पर वहां आए और वो दो या तीन मंदिर एक ही आदमी उसमें दिख रहा है और वो उसने पूरा अपना मुंह ढक रखा था। तो ये बहुत बड़ी गैंग हो सकती है और मैं तो कि पुलिस को इसके बारे में थोड़ा सा जैसे रात को भी ये इनकी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। रात को जैसे मतलब वहां पता लगा है कि ये कोठों में मोटरसाइकिल पे थे, तो उनको मोटरसाइकिल वाले में रात को जो भी है थोड़ी चेकिंग होनी चाहिए। और रात को 2:30-3 बजे अगर वैसे कोई निकलता है तो किसी अगर कोई जरूरी काम से निकलता है तो उसको कम से कम पूछना चाहिए। तो इन लोगों को पुलिस को इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और अपनी पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए। इस पर पुलिस अधीक्षक मोहित चावला का कहना है कि वह चोरी पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रातों को हर आने जाने वाले व्यक्ति से कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील की है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आसपास दिखाई देता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। देखिए कल एक घटना सामने आई है और एक टेम्पल के गले में थेफ्ट करने का प्रयास किया गया है। लकली क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हमारे पास आईटी में उसकी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। आई थिंक हम उसको जल्दी नैप करने में कामयाब रहेंगे। मैं वही चाहूँगा कि आसपास की गतिविधियों को काइंडली नोटिस में रखें, अपने आप को सिक्योर रखें और ऐसी कोई इश्यू आपको नज़र आए तो तुरंत थाना चौकी में बताएं, ताकि हम उस पर एज पर लॉ कार्रवाई कर सकें। और